इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11th के मैथ का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबस्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में बोला गया है एक आपको आर्क लेना है 22 सेंटीमीटर का। तो मैंने मान लो ये आर्क मैंने ले लिया यहाँ पर 22 सेंटीमीटर का, ठीक है, ये मैंने आर्क लिया 22 सेंटीमीटर का। इसको सेंटर से सबस्टेंड करना है यानी, ठीक है, एंड सेंटर से इसको यानी कि ज्वाइन करना है। ये मैंने इसको सेंटर से ऐसे ज्वाइन कर दिया और रेडियस हमें दे रखा है 100 सेंटीमीटर। देखो सेंटर से लाइन आ रही है तो ये क्या होगी, 100 सेंटीमीटर की होगी लाइन, यानी कि रेडियस हमें दे रखा है 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि ये जो एंगल सबस्टेंड हो रहा है यहाँ पर, इसके हमें वैल्यू फाइंड करनी है डिग्री मेजर में, ठीक है, डिग्री में फाइंड करनी है। ठीक है, मैंने उसको मान लिया थीटा, जो एंगल यहाँ पर बन रहा है उसको मान लिया मैंने थीटा, यहाँ पर मुझे ये सब चीज़ें दे रखी हैं। तो अब देखो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, थीटा इक्वल टू होता है एल अपॉन में आर। एल क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क जो कि हमें गिवन है यहाँ पर, अपॉन में रेडियस, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस, दोनों चीज हमें यहाँ पर गिवन है। लेंथ ऑफ आर्क कितनी है 22 सेंटीमीटर और रेडियस कितना है 100 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा 22 अपॉन में 100, 2 × 2, 2 × 2, 2 × 5 = 10 और 0, तो कितना आएगा थीटा इक्वल टू हमारा आ जाएगा 11/50। इसी साथ हमारा थीटा आ चुका है 11/50। लेकिन आप इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जो ये जो हमारा थीटा होता है, ये थीटा हमेशा होता है रेडियन में, ठीक है, थीटा जो होता है ऑलवेज होता है ये रेडियन में, इसकी जो वैल्यू निकली है ये रेडियन में निकली है। लेकिन हमें किसमें निकालनी थी, फाइंड द डिग्री मेजर, तो हमें डिग्री में निकालनी थी इसकी। क्वेश्चन में बोला गया था आपको डिग्री में करना है, यानी कि हमें रेडियन से अब क्या करना है, डिग्री में चेंज करना है इसको। ये जो हमारा आंसर आया ये हमारा आया रेडियन में, हमें इसको डिग्री में चेंज करना है। तो क्या करेंगे हम इसको क्या करेंगे, रेडियन से अगर हमें डिग्री में चेंज करना होता है तो क्या कर देते हैं, डिग्री इक्वल टू कितना होता है, रेडियन मल्टीप्लाई 180 अपॉन में पाई, ये होता है डिग्री फाइंड करने का। तो इसमें हम इसको पुट कर देंगे, यानी कि आर की प्लेस में सिंपली हमें 11/50 पुट करना है। तो क्या कर देंगे हम, 11/50 मल्टीप्लाई 180 अपॉन में 22/7 होता है, 7 ऊपर जाएगा यानी कि 22/7, 11 × 11, 11 × 2 = 22, 0 से 0 कैंसिल, 2 × 2, 2 × 9 = 18, तो कितना बचेगा यहाँ पर, यहाँ पर बचेगा 5 और 9 × 7 = 63 डिग्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिग्री में आ चुका है हमारा आंसर। लेकिन आप भी जानते हो कि यहाँ पर हम क्या फ्रैक्शन में कोई भी नंबर को नहीं लिख सकते डिग्री में, तो हम क्या करेंगे, इसको अब डिवाइड करना पड़ेगा अब हमें, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, मैं यहाँ पर इसको डिवीजन कर देता हूँ, इसका 63 अंदर लिखता हूँ, 5 बाहर लिखता हूँ, 5 × 5 बचा यहाँ पर 13, 5 × 2 = 10, यहाँ पर बचा अब हमारा 3। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखो अब मैं इसको लिखूंगा यहाँ पर, देखो जो हमारा आया कोशेंट वो तो यहाँ पर लिखा जाएगा 12 डिग्री प्लस जो रिमाइंडर आया 3 अपॉन में 5 डिग्री, ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ पर लिख दी। अब देखो इसको मैंने इतना तो लिख दिया, अब इसको मैंने कैसे लिख दिया, 12 डिग्री प्लस 3 अपॉन 5 डिग्री, लेकिन अभी भी ये क्या है, नंबर जो है अपॉन में आ रहा है, यानी कि फ्रैक्शन में आ रहा है, यानी कि मैं इसको क्या करूंगा फिर, जैसे कि हम सब जानते हैं, मैं इसको ऊपर से मिटा देता हूँ, ठीक है, जैसे कि हम सब जानते हैं 1 degree = 60 minutes होता है, तो हम क्या करेंगे इसको मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, 1 degree = 60 minutes होता है, तो 3/5 degree हमें दे रखा है, तो 12 degree तो एज इट इज रहेगा, प्लस 1 × 3/5 × 60, ये हो जाएगा हमारा मिनट में चेंज। तो 5 कैंसिल आउट करते हैं, 5 × 5, 5 × 5, 5 × 10, 12 degree + 3 × 6 = 36 minutes। तो यहाँ पर इसी के साथ इसका आंसर हमने फाइंड कर लिया, 12 degree 36 minutes आया है इसका आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।